मतलब हर महीने सैलरी आपके अकाउंट में आएगी और आप उसको जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो नहीं तो हर दूतावास, आप लोगों को दूतावास से कोई संपर्क किया गया है अभी तक भारतीय दूतावास नहीं, से? मैं दूतावास से जब संपर्क करेंगे ना, मम्मी को कुछ खतरा दिखाई देगा। क्योंकि करीब 64 लोग गए थे तो भारत में यूपी और हरियाणा के जो परिवार वाले हैं, क्या उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है? चिंता की कोई दिक्कत नहीं है, आज सिर्फ 64 आदमी नहीं आए हुए, कम से कम भी 8,000 बंदे। माहौल ऐसा, सिस्टम ऐसे, कानून, मैंने जिंदगी में कई कई जगह गया लेकिन ऐसा नहीं देखा। यहाँ कायदा कानून, साफ सफाई, हर चीज की इतनी बढ़िया सुविधा है। आप बंकर की बात करें, बंकर बने हुए हैं, हाँ, नीचे हर बिल्डिंग में बंकर बने हुए हैं। सर। मेरा नाम है सत्संग, हरियाणा फाइल्स में आप सभी का स्वागत है। कल रात को भारत सरकार ने ईरान और इज़राइल के लिए ट्रेवल एडवाइजरी इशू की है, जिसमें सरकार ने कहा है कि कुछ समय के लिए, जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती, ईरान और इज़राइल जाने से परहेज करें। अभी मेरे साथ हरियाणा के एक युवा जो पिछले दिनों इज़राइल गए थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो भर्ती चली थी, उसी के चलते वो इज़राइल के तेलवी शहर में पहुंच चुके हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, जूम के थ्रू हम उनसे जुड़े हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और ये बताइए कि आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले? मेरा नाम सवीन है, मैं हरियाणा से हूँ, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, और मैं 27 मार्च को यहाँ आया था। 27 मार्च से लेकर अब तक यहाँ पे अपने काम पे डेली रूटीन पे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है कि हमें यहाँ कोई दिक्कत महसूस इतनी भी नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे जितना भी लोग मिलता है, अपना हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, सभी अपने इंडिया के भाई हैं, एक जगह रहते हैं, होटल दे रखे हैं, होटल हैं, चार चार पाँच पाँच मंजिल होटल हैं, तो एक दूसरे से मिलके रहते हैं। एक रूम में किसी में 3 बंदा है, किसी में 4 बंदा है, ऐसे रहते हैं। और सुबह 6 बजे हम ड्यूटी पे जाते हैं और शाम को 6 बजे वहां से वापस आते हैं, 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है ना, यहाँ का कोई इंसान हमसे मिसबिहेव कर रहा है या कोई गलत बोल रहा है, इतनी इज्जत करते हैं, अच्छे भी ज्यादा। और ऐसा जैसे हम मीडिया में देख रहे हैं कि वहाँ खतरा होगा, वहाँ बमबारी होगी, ये होगा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। प्रवीण भाई, आपने बताया कि सब इज़राइल के अंदर तेलवी शहर में जहां आप हैं, वहां सब कुछ नॉर्मल तरीके से जीवन चल रहा है, आप लोग अपने काम पे जा रहे हैं और बिल्कुल स्थिति नॉर्मल है। तो जो भारत में आप लोगों के परिवार वाले हैं, क्योंकि करीब 64 लोग गए थे तो भारत में यूपी और हरियाणा ये जो परिवार वाले हैं, क्या उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है? जी को किसी चीज की चिंता की कोई दिक्कत नहीं है, आज सिर्फ 64 आदमी नहीं आए हुए, कम से कम भी 8,000 बंदे। कोई 64 नहीं है, 8,000 से ज्यादा ज्यादा। हर रोज फ्लाइट आ रही थी, किसी में 200 आ रहे थे, किसी में 400 आ रहे थे, किसी में 300 आ रहे थे, ऐसे करके 12 फरवरी से स्टार्टिंग हुई थी फ्लाइट की और अब तक चल रही है। ये थोड़ा मीडिया के माध्यम से लोगों को गुमराह करने की भी बात चल रही है कि वो हो गया। यहाँ कम से कम जितने भी बंदे हैं सब यहाँ काम करके खुश हैं, किसी को कितनी ही कोशिश कर लो, किसी कोई है ही नहीं। सब अपने परिवार वाले से बात करते हैं, अपने परिवार वालों को बताते हैं कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ कंपनी ने सरवीन भाई, सिम दे रखा है यहाँ का। जी सरवीन भाई, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आप यहाँ आए तो आप लोगों को कोई सेफ्टी ट्रेनिंग दी गई कि आप लोग काम पे जाएंगे अगर कल को कोई हमला हो जाता, कैसे अपने आप को बचाना है? हमें सेफ्टी ट्रेनिंग दी गई थी अपने बचाव के लिए, जो हम कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं उसके लिए सेफ्टी दी गई थी कि आप ये काम करोगे तो ये अपने बेल्ट लगा के ऐसे काम करना है। और रही बात दूसरी, यहाँ हमले की कोई बात ही नहीं हुई है, और ना होती है यहाँ पे तो हमले की तो कोई सेफ्टी वाली बात है नहीं। हाँ, लेकिन जितनी भी यहाँ बिल्डिंग है, सभी बिल्डिंगों के नीचे अंडरग्राउंड एक ऐसा, अगर 100 बंदे रहने का रूम है तो 100 बंदे नीचे आराम से उसमें रह सकते हैं। अगर बमबारी भी होने लग गई तो उसके नीचे सब सेफ के सेफ रहेंगे। आप बंकर की बात करें, बंकर बने हुए हैं, हाँ, नीचे हर बिल्डिंग में बंकर बने हुए हैं।
अच्छा, ये बताइए कि आप तेलवी शहर में आप हैं तो कौन सी कंपनी में काम करते हैं, अगर आप बताना चाहें तो, और आप लोगों का रहना खाना पीना कंपनी देती है, कौन देता है? मैं बताऊं, दान्या कंपनी में काम करता हूं मैं। और खाना तो, अच्छा खाना खुद का बनाना पड़ता है हमें, और अच्छा वहाँ रहना खाना कंपनी का पीना है। बाहर का कैसा है? बाहर का सब कुछ मिलता है यहाँ पे, आटा चावल नमक हर चीज मिलती है यहाँ पे। अपनी इंडियन दुकानें हैं यहाँ पे, जहाँ से हर चीज मिलती है। अच्छा, तो आप लोग कितने जने एक कमरे में रहते हैं? हम 4 बंदे रहते हैं एक रूम में। और सबसे मेन बात एक बताऊंगा, यहाँ किसी भी चीज में कोई भी मिलावट नहीं है, जो चीज मिलेगी अच्छा, ओरिजिनल मिलेगी। हाँ जी, कंपनी की तरफ से खाने पीने का अलाउंस दिया जाता है? नहीं, कंपनी में जाते हैं, काम पे जाते हैं तो चाय कॉफी पीनी है तो चाय कॉफी पी सकते हैं वहां पे, और अपना टिफिन लेके जाते हैं, वहाँ खाना खाना लंच होता है तब अपना खाना खाओ। नहीं, जो आपकी मैन पावर कंपनी है, क्या उनकी तरफ से हर हफ्ते कुछ 200-300 जो शेकल है दिए जाते हैं, कुछ इस तरीके से, ऐसा भी कुछ है? देखो, जैसे जैसे स्टार्ट में हम आए थे तो हमें मिले थे शेकल, स्टार्ट में एडवांस मिले थे, फिर के बाद पता लगेगा वो वापिस देने हैं या हमें ही, हमारे पास ही रहेंगे, वो तो बाद में पता लगेगा 1 महीने के बाद सैलरी आएगी तब। आपकी आवाज एक बार बीच में कट गई थी, कितने शेकल आपको शुरू में दिए गए थे? 400 सैकल शुरू में दिए थे और 600 सैकल फिर बाद में, 1 हफ्ते के बाद टोटल 1000 सैकल दिए गए थे हमें। तो वो ताकि आप अपना खाना पीना सेटअप कर लें, कुछ इस शायद इसलिए दिए गए हों। हाँ जी सर। अच्छा, हमें तो अब तक जानकारी ये थी कि 64 युवाओं का दल आया, आप कह रहे हैं 8,000 के करीब इंडियन श्रमिक वहां काम कर रहे हैं। कम से कम जी, ये जो 64 आए हैं बंदे, ये जो गवर्नमेंट के थ्रू आए ना, जी हम कंपनी के थ्रू आए हैं, जैसे डायनामाइक है, आरके इंटरनेशनल है, ऐसे ऐसे है ना, तो वहां पे इंटरव्यू दे गए, वहां इंटरव्यू क्लियर करके तब यहाँ आए थे। तो क्या कोई तरीका अलग होता है जो कंपनी के थ्रू आते हैं, या वही तरीका होता है जो सरकार का तरीका अपनाया सरकार ने? सरकार का तो तरीका ये है, कंपनी आते हैं बंदे, बहुत बंदे आ रहे हैं, लेकिन अब ये थोड़ा मीडिया में मैंने देखा था कि इसराइल जाने के लिए रोक रखी है फ्लाइटें, नहीं तो हर, आप लोगों को दूतावास से कोई संपर्क किया गया है अब तक, भारतीय दूतावास नहीं से? मैं दूतावास से जब संपर्क करेंगे तो हमें कुछ खतरा दिखाई देगा। नहीं, क्या उनकी तरफ से कोई आपको को संपर्क किया, कोई व्हाट्सएप एसएमएस कुछ ये आया? ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन कंपनी के जो हमारे ऊपर ओनर हैं वो हमारे पास आते हैं, हमसे पूछते रहते हैं भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई शरीर में दिक्कत है, बुखार है, दवाई लेनी है, या खाने की कमी है, या पानी सूट नहीं हो रहा, तो वो भी सिस्टम है। एक जब काम पे जाने के लिए ज्यादा दूर है, दिक्कत आ रही है, स्पेशल बस दे रखी है, तो काम बस कैसा में है? जाते काम हैं, बस मुश्किल है, हमारे आसान है? काम। देखो जी, काम तो कोई मुश्किल नहीं होता, कोई आसान नहीं होता, काम करने वाला होना चाहिए। मतलब आप पूरी तरह से संतुष्ट और खुश हैं काम कोई इसराइल छोटा नहीं, के हम कोई बड़ा साथ? नहीं, बहुत खुश हूँ जी, बहुत खुश। ऐसा माहौल, ऐसा सिस्टम, ऐसे कानून मैंने जिंदगी में कई कई जगह गया लेकिन ऐसा नहीं देखा। यहाँ कायदा कानून, साफ सफाई, हर चीज की इतनी बढ़िया सुविधा है जी नहीं, ये तो हमें यहाँ। जान के बहुत अच्छा लगा। मेरे को 27 तारीख को आया था, 27 तारीख से लेके आज तारीख होगी, देखो कितनी, मैंने अच्छा, आज तक कहीं पे किस चौक पे या कहीं पे कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं देखा। इनका अपना तरीका होगा कोई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का, आम पब्लिक को इंटरफियर। ये कानून पे ज्यादा ध्यान रखते हैं, जो इनके कायदे कानून है अपने कायदे कानून के हिसाब से रहते हैं। और सबसे पहली बात एक और बताता हूँ, या किसी का आपस में झगड़ा हो जाता है तो बातों से, गाली गलौज से झगड़ा करते हैं, हाथापाई नहीं करते। हाँ, अच्छा, नहीं चलो, बात ये बात तो बोल हमेशा बोल के, मतलब आज। वो, हाँ बोल बोल के झगड़ा खत्म भी हो जाता है और उससे सारा सिस्टम ठीक हो जाता है, हाथ भी लगाते एक दूसरे को आपस में। जी।
सविन भाई, तो ये बताएं कि आप यहाँ 27 तारीख से आप यहाँ हो, और 27 तारीख को, 27 अप्रैल को आपको 1 महीना हो जाएगा, तो सैलरी कितनी मिलेगी आपको? सर सैलरी मेरे को 10 तारीख को मिलेगी, 1 तारीख से लेके मतलब 31 का जो होता है वो 10 तारीख को सैलरी आएगी। और सैलरी आएगी हमारी मतलब जैसे एक भाई थे पहले जिनकी आई है 2800 कुछ रुपए आए हैं इसराइल के शेकल्स। 2800 शेकल्स, तो कितना बन गया इंडिया के हिसाब से? करीब 22 से गुना करके देख लो। करीब अच्छा अच्छा हाँ, मतलब कुल मिला के 2 लाख के करीब लमसम हो जाता है और जिसमें 2 लाख खर्चा के करीब लमसम हो जाता है, तो खर्चा कितना हो जाता है? लगा लो कि आप 1500 शेकल निकाल दो इसमें खर्चा अपना। खाना खाने का तो देखो अपने ऊपर डिपेंड होता है, हिसाब से खाओ हिसाब से बनाओ तो 1000 शेकल में ही सारा सिस्टम हो जाएगा। सतर सौ अठहत्तर सौ शेकल बच जाएंगे मैं। अच्छा, वो आप अपना घर बेच सकते हैं या आप अपने अकाउंट में रख सकते हैं। हर महीने सैलरी मिलेगी, क्या होगा? ये हमारा अकाउंट खोल रखा है यहाँ पे कंपनी ने, हमारे अकाउंट में आएगी और अपने वहां भेजना है तो इसमें ऐप है, ऐप द्वारा जैसे फोन पे गूगल पे ऐसे भेजते हैं ऐसे हम इंडिया में भेज सकते हैं पैसे। मतलब हर महीने सैलरी आपके अकाउंट में आएगी और आप उसको जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। अरे एक और बात है, जैसे मैं 27 को आया था, मैं 28 28 को सेफ्टी मीटिंग हुई थी, 29 का शुक्रवार था और 30 तारीख का शनिवार था, तो शुक्रवार की होती है हाफ छुट्टी और शनिवार की होती है फुल छुट्टी यहाँ पे। फिर मैं 31 तारीख को ड्यूटी पे चढ़ा था, तो संडे संडे को ड्यूटी पे चढ़ा था, संडे को छुट्टी नहीं होती ना यहाँ पे, या सैटरडे को छुट्टी होती है, तो एक दिन काम किया था मैंने, एक दिन की सैलरी मिलेगी मेरे को। जी, तो आप पूरी तरह से खुश हैं और संतुष्ट हैं? बहुत खुश हूँ जी, जितने यहाँ पे आए हुए हैं कोई भी एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो नाराज हो, सभी को क्या टाइम पे काम महिलाएं मिल भी रहा आएंगी या सिर्फ या पुरुष पुरुष आए हुए हैं? है। लेडीज तो अगर आई हुई हैं तो जैसे नेपाल से है, चाइना से है, वो केयर टेकर में आई हुई हैं, केयर टेकर में जैसे 60 साल से ऊपर है, बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है उनकी सेवा के लिए, तो उसमें केयर टेकर में आई हुए हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन में कोई लेडीज नहीं है सर, जेंट्स जेंट्स अच्छा, कंस्ट्रक्शन 24 काम में, साल घर से में काम लेकर में पुरुष हैं। ठीक पुरुष हैं। है सविन भाई, आपने हमारी सारी बातों को बड़े विस्तार से बताया और बहुत सारे डर और बहुत सारी शंकाएं थी कि इसराइल जाएंगे हमारे हरियाणा से युवा, तो वहां क्या होगा, कैसे होगा। आपने अपना अनुभव साझा किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं स्टार्ट में आया था ना, आने से पहले मेरे को भी ऐसे बोल रहे थे कि वहां तो झगड़ा हो रखा हो रखा, जब मैं यहाँ फ्लाइट में जहाज में से नीचे देखा ना, मैंने तो बिल्कुल शांत माहौल देखा। इससे ज्यादा खर्चा तो अपना इंडिया में बम पटाखे बजा के करते हैं खुशी में कि हमारा लड़का विदेश चला गया, या मैंने आज तक कोई पटाखे की आवाज भी नहीं सुनी है। ये बात है नहीं, चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सविन भाई, आपने बहुत सारी शंकाओं और चिंताओं को दूर किया, और हम भी ये प्रार्थना करेंगे भगवान से, जो भी टेंशन ये जो ईरान और इजराइल वाली चली है, बहुत जल्दी शांत हो जाए और दोबारा से इंडिया से फ्लाइट जो है चालू हो जाए, ताकि जो रोजगार पे भाई चढ़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, वो जा सके। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान जल्दी से इनको समस्या समाधान हो जाए और जितने मेरे वहां बेरोजगार भाई हैं सभी को यहाँ अच्छा काम मिलेगा, अच्छा रहने को मिलेगा और एक दूसरे देश में आके कुछ सीखने को भी मिलेगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ की टेक्नोलॉजी अपनी टेक्नोलॉजी से बहुत ही अलग है। तो जी जी भाई ठीक हाँ है सविन जी भाई, आज हमारा टाइम पूरा हो गया जूम का, हम दोबारा मीटिंग करेंगे, तब हम बाकी बात करेंगे। जी, क्योंकि मेरी नाइट की ड्यूटी है, दिन में की डे, तो उसमें सारा अच्छा है। और सभी को राम राम मेरी तरफ से, जो भी भाई मेरी ये वीडियो देखेगा नेट पे देखेगा, दिल खोल के जो जिसका दिल आने या करे आओ, पैसा कमाओ और अपनी इज्जत के साथ रहो यहाँ पे, कोई भी इतनी भी दिक्कत धन्यवाद नहीं, इतनी भी दिक्कत। भाई, धन्यवाद धन्यवाद। जी, धन्यवाद।